बिसमीम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेप्टिक शॉक बेसिकली आपका बैक्टीरिया मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैसेलिस और ग्राम नेगेटिव पैसलिस और सर्टेन फंड रहा ठीक है वो कुछ ऐसे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं लाइक पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न अटैच टू द ऑन द इंटोथीरियल सेल्स एंड एक्टिवेटिंग द इन्टोथीरियल सेल्स डीज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्नस ठीक है ये और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वन ऑफ विच इज़ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इनडायरेक्टली ऑल्सो एक्टिवेट्स द इंडोथीलियल सेल्स दूसरी चीज ये क्या करते हैं कि फैक्टर ट्वेल्व को एक्टिवेट करते हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है फैक्टर ट्वेल्व हमारे थ्राम्बोमोड्यूलिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है प्रोटीन सी के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है और फैक्टर टिश्यू फैक्टर जो होता है ठीक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देता है दैट लीड्स टू अ प्रोकॉगेट लाइक स्टेट और साथ ही हमारे पास प्लाज्मा जो एक्टिवेटर इन्हेबिटर पी ए आई वन ठीक है वो रिलीज हो जाता है विच इज बेसिकली एंटी सो क्या हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोकॉग्रेंट इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ द एंटीफाइब्रीनो लिटिक इफेक्ट दैट लीड्स टू माइक्रो थ्रोम्बोसिस यानी कि आपकी छोटी वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया अब आपके माइक्रोबिल प्रोडक्ट्स एक तरफ तो उन्होंने थ्रोम्बोसिस करा दिया ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि दैट इज सेप्टिक शॉप में माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस होता है दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि इन्फ्लमेटरी इफेक्ट होने वाला है और उसके साथ साथ एक काउंटर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होने वाला है वो कैसे होगा दैट इज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे रिलीज सर्टेन साइटोकाइंस एंड साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स विच इंक्लूड ट्यूमर एन फैक्टर एंड इंटरूकिन वन ठीक है अब ये आगे तीन एक्टिविटीज़ करेंगे ठीक है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे सबसे पहले ठीक है एक तो वो एंडोथिलियल uh, सेल की एक्टिवेशन कराएंगे उसके बाद दे विल रिलीज सर्टन अदर मीडिएटर्स लाइक इंटल्यूकिन सिक्स इंटल्यूकिन एट नाइट्रोक ऑक्साइड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दिस विल लीड टू वेजो डाइलिशन डिक्रीज पर्मिएबिलिटी एंड डिक्रीज परफ्यूजन बेसिकली आपकी आर्टेरियल वेजो डायलिशन होती है और विनस पूलिंग होती है ठीक है आपका जो एरिया uh, है ठीक है जहाँ पे कैपलेरी थी ठीक है जहाँ पर आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन था जिसको आपने परफ्यूज़ करना है दैट इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट ऑक्सीजन बिकॉज सारा का सारा ब्लड जो है ठीक है वो आउट कर रहा है ठीक है वीजो डाइलिशन की वजह से ठीक है और आपका वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड पूल कर रहा है सो दिस टिश्यू ठीक है जो जिसको सप्लाई करना था वो हाइपो परफ्यूज होकर हाइपॉक्सिक हो जाएगा ठीक है हाइपॉक्सिक की वजह से क्या कहेगा वो कहेगा कि चलो ठीक है ऑक्सीजन नहीं तो हमें लगते केसें डोसेस कर लेते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू स्कीमिया ठीक है द अदर नेम फॉर स्कीमिया इज अगर एक ठीक है ऑर्गन में स्कीमिया हो तो दैट लीड्स टू एन ऑर्गन फेलियर जब बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर स्कीमिया और दैट लीड्स टू अ मल्टाई ऑर्गन फेलियर ठीक है अच्छा एक तरफ ये जो साइटोकाइंस और साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स हैं कोई एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो भी इफेक्ट्स होते हैं तो वो सारे इफेक्ट्स होंगे दे विल बी डिमिनिश्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी दे विल बी मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज ठीक है और एक तरफ हमारे पास क्या है काउंटर इन्फ्लमेटरी इफेक्ट है काउंटर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट में आपके पास क्या है कि कुछ एंटी इफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन टेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कि आपने याद रखना है कि इंटिलियोकिन टेन जो है दैट इज बेसिकली कॉजिंग

Uh, क्या उसे कहते हैं डायलेशन है जिसकी वजह से पहले ही डिक्रीज परफ्यूजन है दूसरी तरफ आपके छोटी वेजल्स के अंदर क्या हो रहा है माइक्रोवास्कुलर वैस्कुलर हो रहे हैं ठीक है माइक्रोवास्कुलर वैस्कुलर हो रहा है जो कि भी इस्कीमिया uh, करा रहा है और इस्कीमिया ये मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर कराता है जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स हैं दैट इंक्लूड द ब्रेन द हार्ट द एड्रीनल्स ठीक है द किडनी ठीक है ठीक है किडनी के अंदर जो आपका रीनल ग्लोमेरे है ठीक है उसके अंदर फाइब्रिन थ्रॉम्बाई कैन बी सीन ठीक है लंग लंग के अंदर क्या होता है कि देर इज अ डिफ्यूज एल्बेरा डैमेज इन द लंग दैट इज बेसिकली कॉल्ड इज ए शॉक लंग ठीक है इसके अलावा जी आई टी एंड अदर ऑर्गन्स कैन ऑब्वियसली बी इन्वॉल्व ठीक है रीनल इनसफिशंसी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ठीक हो गया दूसरा आपके पास ये जो विजोटाइलेशन है इसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है दैट इज वम एंड दैट इज फ्लश्ड अनलाइ हाइपोवलीमिक शॉक जिसके अंदर आपकी स्किन जो है दैट इज कूल एंड क्लैमी तो याद क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ग्राम पॉजिटिव बैसलिस आया जिसने कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स रिलीज किए उन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स ने बेसिकली क्या किया कि आपके फैक्टर 12 को एक्टिवेट किए जिसने एक प्रो कॉगिलेट स्टेट डिवेलप कर ली और साथ ही एंटीफाइब्रीनोलिटिक्स जो है जैसे कि हमारे पास प्लाज्मिना जिन एक्टिवेटर इन्हबिट वो प्रोड्यूस हो गए जिसकी वजह से माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो गया साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसने एंटोथीनियल सेल्स को एक्टिवेट किया एंडोथीनियल सेल्स डायरेक्टली भी एक्टिवेट होते हैं बाय द पैम्स कि जब वो अटैच होते हैं टू तो द टॉल लाइक रिसेप्टर्स ऑन द एडोथीनियल सेल्स तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं साथ हमारे पास एक एन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेट्री या काउंटर इफ्लामेट्री इफेक्ट होता है और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है के आ, बेसिकली होता क्या है कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स और ये माइक्रोफेज प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेसिकली आगे, आगे आपके साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं ये साइटोकाइंस मजीद आपके कुछ वीजो को प्रोड्यूस करते हैं जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से वीजो होती है बास्कुलर लीकेज होती है डिक्रीज परफ्यूजन होती है टिश्यू डैमेज स्कीमिया होता है ठीक है और एक तरफ हमारे पास इन्फ्लामेट्री इफेक्ट है जिसमें फीवर और डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ये मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो जाते हैं और काउंटर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मेंटली यू कैन टेन है ठीक है जो बेसिकली क्या करता है कि आपके एपोप्टोसिस कराता है ठीक है और इम्यूनोसप्रेशन कराता है सो बेसिकली सेप्टिक शॉक इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन एंड या हाइपो परफ्यूजन ठीक है एंड वीजोडाइलेशन ठीक है ना इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स दैट आर रिलीज ठीक है सो सेप्टिक शॉक क्या है इसमें क्या क्या डीरेंजमेंट्स हैं देर इज सर्कुलर डीरेंजमेंट्स देर सेलूलर डि अरेजमेंट्स तरह मेटाबॉलिक डी अरेजमेंट्स ठीक है uh, अच्छा सेप्सिस क्या है सेप्सिस इज बेसिकली अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन दैट इज कॉस्ड बट डिसगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन सो सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक आर बोथ कॉस्ड बाय इन्फेक्शन ठीक है ना जो बेसिकली ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है जो ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा होता है ठीक है ना वो सेप्सिस कहलाता है so इनसे रिलेटेड एक और टर्म है दैट इज बेसिकली कॉल्ड ए सर्स दैट इज सिमिक एनफ्लटरी रिस्पॉन्स इन रोम दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन राधर दैट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन सो इट इज अप्सिसकीशन दैट इज एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक Uh, inflammation but that is a non-microbial insult, means it is not associated with a bacterial pathogen. ठीक है आई होप यूर क्लियर ठीक है और इसमें सेप्टिक शॉक की स्वेरिटी जो है ठीक है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पेशेंट का पहले से इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है कैसा था ठीक है और जो ऑर्गेनिज्म जिसने एक्चुअली सेप्सिस या सेप्टिक शॉक कराया है ठीक है वो वो कितना वायलेंट ऑर्गेनिजम है ठीक है और पेशेंट क्या कोई एसोसिएटेड कोम कंडीशन तो नहीं थी पेशेंट पहले से डायबिटिक तो नहीं था तो ऑब्वियसली इन चीज़ों पर डिपेंड करता है